वेलकम गाइस, अहमदाबाद जर्नी पार्ट 3। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अडालज स्टेपवेल, जो अहमदाबाद से 19 किलोमीटर की दूरी पे आई है। फर्स्ट पार्ट में एक दिन में अहमदाबाद में कौन कौन सी अच्छी प्लेस हम कवर कर सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। पार्ट 2 में साइंस सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड अब आ चुके हैं हम अहमदाबाद जर्नी पार्ट 3, जिसमें आपको अडालज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों वीडियो भी देखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ अहमदाबाद, अडालज स्टेपवेल। तो दोस्तों, फाइनली हम अडालज वाव पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो अडालज स्टेपवेल। दो रास्ते, आप आगे से भी डायरेक्टली अंदर जा सकते हो, एंड एक पीछे का रास्ता है। पीछे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, इसके अलावा लेक व्यू भी है। यहाँ पे एक खूबसूरत लेक है, एंड कई सारे मंकीज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो जल्दी फूड लेना भूल गया, बट अगर आप अडालज स्टेपवेल आ रहे हो तो इसके लिए फूड लाना भी मत भूलना। एंड हम पीछे के रास्ते से ही जा रहे हैं, तो हम पूरा गार्डन का व्यू, लेक व्यू, वो सब देखते देखते फाइनली हम अडालज स्टेपवेल पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम अडालज स्टेपवेल का पीक टाइम है, उस टाइम पे आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। बहुत बड़ा गार्डन, इसके साथ एक छोटा सा लेक एंड कई सारे मंकीज, वह सब चीज़ें का एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से टाइम एंजॉय कर सकते हो। दोपहर के टाइम पे आओगे तो पब्लिक बहुत ही कम रहेगी, एंड नेचर इतना शांत एंड खूबसूरत रहता है कि इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। रात को 3 बजे सोए थे, एंड डायरेक्टली सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे अडालज पहुँच चुके हैं। ये पीछे अडालज लेक व्यू, बट इतना खूबसूरत लेक नहीं है, बदबू भी आ रही है, एंड क्लीननेस भी बहुत कम है, बट जो नेचर दिख रहा है, प्रकृति, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा ग्रीन ग्रास वाला एरिया है, एंड उस तरफ घना जंगल है, बहुत सारे पेड़ है एंड फुल ग्रीनरी है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, खाना भी खा सकते हो, बहुत कुछ एंजॉय आपको मिलेगा। एंड पीछे अडालज स्टेपवेल, हम धीरे 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 उस तरफ ही जा रहे हैं। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पहले पूरा गार्डन एंजॉय करते हैं, सब कुछ एंजॉय करने के बाद हम अडालज स्टेपवेल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब टिकट प्राइस की बात करते हैं, तो इंडियन सिटीजन के लिए 25 रुपीज़ है, एंड फॉरेनर के लिए 300 रुपीज़ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, वह सब सिटीजन को इंडियन सिटीजन के साथ ही शामिल किया गया है। मीन्स वह सब सिटीजन को भी 25 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया के तहत आप यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। तो चलिए विजिट करते हैं अडालज स्टेपवेल की। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ अपर साइड ऑफ स्टेपवेल। आप मेरे नीचे देख सकते हो, ये पूरी अंदर स्टेपवेल है। वेल यानी कि कुआं, जो महाराज ने महारानी के लिए बनाया था। हिस्ट्री मैंने आपको पूरी बता दी है वीडियो में, एंड ये मैं अपर की साइड अभी घूम रहा हूँ। एक छोटा सा अंदर की ओर भी गार्डन है, इसके अलावा बाहर बहुत ही बड़ा गार्डन है, एंड सामने फ्रंट में
एक लेक व्यू भी है एंड कई सारे मंकीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा एंड घूमने में भी अच्छा मिलेगा। एंड अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। तो हम इसी तरह आपको अहमदाबाद के साइंस सिटी की भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट इसके लिए सेकंड वीडियो रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अहमदाबाद जर्नी पार्ट 2 साइंस सिटी में।